तो फाइनली यार इतने लंबे इंतजार के बाद असुर सीजन 2 हम सब लोगों के सामने है। और जाते जाते दोस्तों ये जो सीजन 2 है वो सीजन 1 के जितने भी छुपे हुए सवाल हैं सबका जवाब देता हुआ जाता है, साथ ही में दोस्तों कई नई कैरेक्टर्स को भी इंट्रोड्यूस करता है। लेकिन दोस्तों जाते जाते सीजन 2 भी हमारे सामने बहुत सारे सवाल छोड़कर जाता है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर शुभ अभी भी जिंदा है या नहीं है, या फिर आने वाले समय में डीजे और निखिल के लिए कौन अब नया खतरा होने वाला है, किन लोगों को ये फेस करने वाले हैं। अपने अकॉर्डिंग दोस्तों थियोराइज करते हुए इन सारे सवालों के दोस्तों हम आपको जवाब देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों अभी तक आपने असुर जैसी सीरीज का नाम तक नहीं सुना है तो प्लीज भाई इस वीडियो से दूर रहना, क्योंकि दोस्तों ये एक अकेला वीडियो आपके पूरे मजे को किरकिरा कर सकता है, क्योंकि इसमें भर भर कर स्पॉइलर्स होने वाले हैं। तो यार बिना दो बात और ज्यादा किए करते हैं झांसे वीडियो की शुरुआत। अब अगर दोस्तों आपने सीरीज देखी हुई है तो आपको पता ही होगा कि सीजन 2 के एंड में बहुत कुछ हुआ, जैसे कि दोस्तों हमने शुभ की इंटेंशंस को देखा, हमने अंत में दोस्तों ये देखा कि शुभ कौन है और बमबारी के माध्यम से वो सैकड़ों लोगों को किस तरीके से मारना चाहता है। सीजन 2 में दोस्तों हमको मिरेकल बॉय से भी इंट्रोड्यूस किया जाता है और दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ये सीधी टक्कर देता है असुर को, और यहाँ पर दोस्तों जाने अनजाने ये गॉड वर्सेस इविल की वॉर होती है। एक्चुअली दोस्तों हर विक्टिम को दो ऑप्शंस दिए जाते हैं, उसी तरीके से दोस्तों मिरेकल बॉय को भी दो ऑप्शंस दिए जाते हैं, या तो वो उन लोगों को मार दे जो कि भगवान में मानते हैं, या फिर वो उन लोगों को मार दे जो कि भगवान में बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। साइंटिस्ट की इस कॉन्फ्रेंस होती है इंडिया में, शुभ वहाँ पर सुपरसोनिक बॉम्ब को प्लांट कर देता है जो कि एक तरीके का साउंड बम होता है, और देखा जाए तो ये वो लोग होते हैं जो कि भगवान में बिल्कुल भी नहीं मानते, ये लोग फैक्ट्स में बिलीव करते हैं। दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो कि भगवान में मानते हैं, और ये बॉम्ब वो मुक्ति घाट पर प्लांट करता है, और दोनों बॉम्ब यहाँ पर सुपरसोनिक बॉम्ब ही होते हैं। इस बार धनंजय राजपूत ये चॉइस वाले लफड़े में पड़ना ही नहीं चाहता था, उसे कैसे भी कर इस बार असुर से जीतना था। और वहीं पॉल और उसकी टीम बॉम्ब खोजने के लिए कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, डीजे और अनंत घाट पर ही होते हैं ताकि वो मुक्ति घाट वाली बॉम्बिंग कंडीशन को संभाल सके। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होती है कि उस दिन अनंत को देखने के लिए बहुत से लोग वहाँ पर आए हुए थे, यही सेम चीज कॉन्फ्रेंस में भी होती है यहाँ पर कि हजारों लोग उस कॉन्फ्रेंस को देखने के लिए आए हुए होते हैं। वही हमारी निखिल और नुसरत की टीम भैदूर गाँव के लिए निकल चुके हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा कुछ पता चला है कि शुभ यहीं से ही सारी चीजें कंट्रोल कर रहा है, और वहाँ पहुंचकर उन्हें ये पता चलता है कि शुभ वहाँ से पहले ही जा चुका। लेकिन फाइनली निखिल और नुसरत को ये चीज पता चल जाती है कि असुर अपने अपराधों को किस तरीके से अंजाम दे रहा था, वो किस तकनीक को इस्तेमाल कर इन सारी चीजों को हैंडल कर रहा था, किस तरीके का कंप्यूटर यूज कर रहा था। वहीं दोस्तों जैसा कि आपने सीरीज में भी देख चुके हैं कि शुभ शुरुआत में मुक्ति घाट पर जो लोग होते हैं उनको खुद को बचाने का मौका देता है। शुभ यहाँ पर सारे लोगों के सामने ये ऑफर रखता है कि अगर वो अनंत को मार देते हैं तो वो उन सबको बख्श देगा। अब जब शुभ का ये स्टेटमेंट वहाँ पर सब लोग सुनते हैं तो लोगों में भगदड़ मच जाती है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो मिरेकल बॉय होता है वो सारे के सारे भयभीत लोगों को शांत करने में कामयाब हो जाता है। अब धीरे से दोस्तों डीजे को ये पता चलता है कि शुभ ने लोगों को मारने के लिए जिस बॉम्ब का इस्तेमाल किया है उसको सोनिक बॉम्ब कहते हैं। वहीं अब निखिल और डीजे थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और ये तय करते हैं कि दो अलग अलग जगह पर होने के बाद भी हम एक दूसरे की मदद तो कर ही सकते हैं और बहुत सारे लोगों की जान भी बचा सकते हैं। ये दुर्घटना को रोकने के बाद डीजे शुभ से उस घाट पर मिलता है। डीजे ने शुभ को अपनी बंदूक से गोली मार दी जिससे वह घायल हो चुका है। वहीं दोस्तों इस जगह पर मेरा एक बहुत ही फेवरेट डायलॉग आता है। यहाँ पर शुभ शुरू से ही ये चीज कहता है कि मरना मुक्ति होती है, और यहाँ पर डीजे शुभ को बिल्कुल भी नहीं मारता क्योंकि वही सजा वो उसे भी देना चाहता था, वो उसे मारकर मुक्त करना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। और फाइनली दोस्तों वो समय आता है जब असुर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इतने सारे लोगों की जान जा चुकी है, इतने सारे लोग सुसाइड कर चुके हैं, कितने सारे लोगों ने आपस में ही लड़ाई कर ली, उसी असुर को फाइनली एंड ऑफ द सीरीज में पकड़ लिया जाता। अंततः निखिल नायर डाइवोर्स पेपर्स पर साइन कर देता है और नैना को हैंडओवर कर देता है, साथ ही में वो शुभ से भी मिलता है। और एंड में जाते जाते निखिल अपने हाथों पर जहर लगा देता है और दोनों जब हाथ मिलाते हैं तो शुभ मारा जाता है। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो यहाँ पर असुर सीजन 2 में असुर मारा जा चुका है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि खतरा अभी टल चुका है? तो बड़े दुख के साथ दोस्तों आपको बताना पड़ रहा है नहीं। आइए दोस्तों जानते हैं क्यों। अब सीजन 1 दोस्तों जिस तरीके से खत्म होता है, जहाँ पर कि दोस्तों बहुत सारे सवालों के जवाब थे, वहीं दोस्तों सीजन 2 हमको बहुत से सवालों के जवाब देकर तो जाता है, लेकिन ये भी एक क्लिफ हैंगर एंडिंग पर ही खत्म होता है। एक्चुअल में दोस्तों मरने से पहले शुभ निखिल को ये बताता है कि मुझे पकड़ लिया, इसका मतलब ये नहीं कि ये कहानी यहीं पर खत्म हो चुकी है।
यहाँ पर शुभ कली के बारे में बताता है कि किस तरीके से कली कभी भी मर नहीं सकता। वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा सकता है लेकिन कभी उसको मारा नहीं जा सकता। मैं निखिल को ये भी एक्सप्लेन करता है कि मेरे मर जाने के बाद कोई और इसी चीज को कंटिन्यू करने वाला है। देखा जाए तो बुराई कभी भी खत्म नहीं होने वाली, वो एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ अपनी जगह चेंज करती है। अब शुरुआत में निखिल को ऐसा लगता है कि शुभ उसे डरा रहा है, लेकिन दोस्तों एंड में जो कुछ चौंकाने वाले मिनट होते हैं वो सच में बहुत ही ज्यादा डराने वाले होते हैं। अंत में दोस्तों वृंदा श्रीवास्तव के पास जब डीजे वापस जाता है, जो कि हरिद्वार के त्रिलोक धाम में जो नरसंहार हुआ था वहां पर बहुत से लोगों को जहर देकर मार दिया गया था, उन्हीं लोगों में से ये एक लड़की बच गई। पहले की जानकारी को ध्यान में रखते हुए यहां पर डीजे की बहुत ही हाई लेवल पर मदद की थी वृंदा ने। यहां पर वृंदा शुभ को पहले से ही जानती थी और एपिसोड की शुरुआत से ही वह महत्वपूर्ण जानकारी के साथ डीजे की मदद करती। लेकिन दोस्तों एंड में एक बहुत ही ज्यादा डराने वाली चीज ये होती है कि जब डीजे उसके घर जाता है तो वो वहाँ नहीं होती है, लेकिन वहाँ पर डीजे उसकी वो पेंटिंग देखता है। वो पेंटिंग को दोस्तों जब बदलता है तो यहाँ पर कली के अवतार चेंज होते हुए हमें दिखाई देते हैं। और यही चीज दोस्तों सेम हमको शुभ से भी पता चली थी कि कली मर नहीं सकता, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में शिफ्ट होता रहता है। वही दोस्तों जिस तरीके की पेंटिंग हमने रसूल की बुक में भी देखी हुई थी, सेम यही पेंटिंग हमको वृंदा की भी दिखाई देती है, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर कली और अंधकार को डिनोट करती है। अब ये अनुक्रम संकेत देता है कि अगला आने वाला खतरा वृंदा हो सकती है, जिसका सामना निखिल और डीजे कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों सीजन 3 के ऊपर बात कर लेते हैं। अभी तक देखा जाए तो निर्माताओं ने इस चीज का कंफर्मेशन नहीं दिया है कि सीजन 3 होने वाला है या नहीं होने वाला, लेकिन दोस्तों आप खुद ही सोचिए, अगर मेकर्स को ये सीजन खत्म करना होता तो वो वृंदा वाले कैरेक्टर्स को कली से जोड़ने का प्रयास क्यों करते। ये एक इस चीज का हिंट हो सकता है कि आने वाले समय में वृंदा श्रीवास्तव बहुत बड़ा रोल करने वाली है। और जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि आप सीरीज अगर रेगुलर देखते हुए आए हैं तो भाई आपको भी पता है कि किसी भी कैरेक्टर को यूं ही इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता। जिस तरीके से दोस्तों मनी हाइस्ट में तातने को इंट्रोड्यूस किया गया था, एंड में दोस्तों उस कैरेक्टर ने बहुत ही भयानक तरीके का रोल किया हुआ, और किस तरीके का रोल यहाँ पर तात्याना ने किया है ये चीज बताने की मुझे आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर वृंदा श्रीवास्तव सच में दृष्टिहीन है तो आने वाले सीजन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों आने वाले वीडियो असुर पर और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, लेकिन दोस्तों आप उन वीडियोस को मिस न कर दें, इसलिए चैनल को जाकर दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी हाँ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी दोस्तों आपसे अगले ही एक ऐसे धांसू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।